हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में न्यू एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस, यानी अंग्रेजी वाक्य का काल पहचानो। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको अंग्रेजी वाक्य दिखेगा, आपको वो वाक्य देखना है और फट से पहचानना है कि इस वाक्य का टेंस यानी कि काल क्या है। वाक्य कितना भी बड़ा हो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है, और एंकर वर्ड PW1 या PW2 या फिर एक्शन वर्ड होता है। तो फिर हमें क्या करना है, वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और सिर्फ ये देखना है कि अगर उसमें एंकर वर्ड है तो वो कौन सा एंकर वर्ड है। तो शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज से जिसका नाम है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। स्क्रीन पर दिखने वाले अंग्रेजी वाक्य का आपको काल पहचानना है। शुरुआत करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है, ऑल द वीक स्टूडेंट्स ट्राइड ओनली वंस। इस वाक्य में हमें एंकर वर्ड ढूंढना है, फिर वो पावर वर्ड वन हो सकता है, पावर वर्ड टू हो सकता है, एक्शन वर्ड हो सकता है। इस वाक्य में पावर वर्ड वन नहीं है, इस वाक्य में पावर वर्ड टू भी नहीं है, तो इस वाक्य में एक्शन वर्ड होना ही चाहिए। ध्यान से देखा तो मुझे ट्राइड ये शब्द देखा, ट्राई यानी प्रयत्न करना, ट्राइड ये ट्राई का भूतकाल है। इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड है और वो एक्शन वर्ड पास्ट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर हाउस वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द स्टेशन। वाक्य पढ़ते ही मैंने नॉट देखा और मैं जान गया कि ये वाक्य नेगेटिव है, लेकिन नॉट वाक्य का काल तय नहीं करता। वाक्य का काल तय करने की ताकत तो PW1 या PW2 या फिर एक्शन वर्ड में है। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड वन है? जी हाँ है, वॉज। और क्योंकि वॉज पास्ट टेंस में है इसलिए ये पूर्ण वाक्य बन गया सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड कोकोनट ट्री इन माई गार्डन हैड मैनी ब्रांचेस। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड वन है? नहीं है। पावर वर्ड टू है क्या? हाँ, मुझे हैड दिख रहा है, हैड ये पास्ट टेंस का पावर वर्ड टू है, और इस वाक्य में केवल पावर वर्ड टू होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस, और क्योंकि आपका पावर वर्ड टू पास्ट है इसलिए वाक्य बन गया सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज शॉप एवरी डे टू हेल्प द पीपल इन हिज विलेज। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड वन है? ध्यान से देखिए, नहीं। तो फिर क्या इस वाक्य में पावर वर्ड टू है? जी वो भी नहीं है। इसका मतलब वाक्य में एक्शन वर्ड होना ही चाहिए। वाक्य में एक्शन वर्ड है ओपन्ड। आप में से कुछ बच्चों को शायद हेल्प ये शब्द भी दिखा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स हमने पहले के एक सेशन में देखा कि जब कभी एक्शन वर्ड के पहले टू ये शब्द आ जाता है तो वो शब्द एक्शन वर्ड नहीं रहता। इसलिए इस वाक्य में केवल एक ही एक्शन वर्ड है और वो है ओपन्ड। एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में है इसलिए संपूर्ण वाक्य पास्ट टेंस में है और यह है सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंगोस आर वेरी एक्सपेंसिव। इस वाक्य में हमको एंकर वर्ड ढूंढना है। एंकर वर्ड तीन प्रकार के, पावर वर्ड वन, पावर वर्ड टू या फिर एक्शन वर्ड। इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में है आर। आर है पावर वर्ड वन और आर प्रेजेंट टेंस में है। इस वाक्य में केवल पावर वर्ड वन है इसलिए वाक्य सिंपल टेंस है, और इस वाक्य का पावर वर्ड वन प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी रूम इन दैट हाउस हैज़ वन स्टडी टेबल एंड टू चेयर्स। इस वाक्य में कौन सा एंकर वर्ड है? क्या PW1 है? जी नहीं। तो क्या PW2 है? हाँ, मुझे हैज़ ये शब्द दिख रहा है। इस वाक्य में केवल PW2 है
इसलिए वाक्य सिंपल टेंस। आपका पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, हिज फादर ब्लेस्ड ऑल माय फ्रेंड्स। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड वन है? जी नहीं। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड टू है? जी नहीं। तो फिर इस वाक्य में एक्शन वर्ड होना ही चाहिए। इस वाक्य में केवल एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य है सिंपल टेंस। कौन सा एक्शन वर्ड है? ब्लेस्ड। ब्लेस यानि आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड, ये ब्लेस का भूतकाल है, इसीलिए वाक्य भी सिंपल पास्ट टेंस में है। वाक्य का एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में होने के चलते वाक्य भी पास्ट टेंस का हो गया। अगला वाक्य, 2020 वॉज अ बैड ईयर फॉर एवरीवन इन दिस एंटायर वर्ल्ड। क्या इस वाक्य में पावर वर्ड वन है? जी हाँ, मुझे दिख रहा है वॉज। वॉज किस टेंस का पावर वर्ड वन है? पास्ट टेंस का। इस वाक्य में केवल पावर वर्ड वन होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस, और वाक्य का पावर वर्ड वन पास्ट होने के चलते ये वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। चलिए इसी के साथ ये आइडेंटिफाइंग द टेंस यानी टेंस पहचानने की एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।